तो माय डियर स्टूडेंट, ये है हिस्ट्री वर्ष 2024 का जियोग्राफी का पूरा मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर, जो भी हमारे बीएससिक्स सेमेस्टर के स्टूडेंट है जिनका सब्जेक्ट जियोग्राफी यानी कि भूगोल है और उनको फर्स्ट पेपर की परीक्षा देनी है, यानी कि जियोग्राफी फर्स्ट पेपर की परीक्षा देनी है, उनको ये वीडियो कंप्लीट जरूर देखनी चाहिए। उनको आज किस वीडियो से बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी कि भैया पता चलेगा कि आपका सिक्स सेमेस्टर का जो जियोग्राफी का पेपर होगा फर्स्ट पेपर, वो किस प्रकार का आएगा, होगा उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं जिनको आपको जरूर तैयार कर लेना है। तो इन सभी के बारे में आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा यार जरूर देखते रहेगा ताकि आपकी हेल्प हो सकाए, ठीक है। और हम आप लोगों के लिए हमेशा हेल्प करने का प्रयास करते रहते हैं, जो कि आपका अपना चैनल सक्सेस हुआ है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। प्रूफ के तौर पर देख लीजिए, बी ए आपका थर्ड ईयर है, यानी कि बी ए तृतीय वर्ष है, सेमेस्टर आपका सिक्स है, सब्जेक्ट आपका ज्योग्राफी यानी कि भूगोल है, प्रश्न पत्र का जो नाम वो है जियोग्राफी ऑफ इंडिया, ठीक है, यानी कि ये फर्स्ट पेपर है, ठीक है। क्योंकि आप सभी को मालूम होगा कि हर सब्जेक्ट के दो पेपर होते हैं सिक्स सेमेस्टर में, ठीक है, तो ये फर्स्ट पेपर है। और यहाँ पर समय भी लिखा रहेगा, कितने घंटा समय मिलेगा, आप परीक्षा जब देने जाएंगे तो ऐसे ही पेपर आपको मिलेगा, 75 नंबर का पूर्णांक रहेगा, ऐसे ही पेपर रहेगा, ठीक है। सबसे पहले हम अतिलक उत्तरे क्वेश्चन जानेंगे, फिर लघु उत्तरे, फिर दीर्घ उत्तरे, इसी तरह सारे क्वेश्चनों के बारे में बताएंगे और कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में इस बार आने की उम्मीद है, क्योंकि पिछले 6-7 सालों के एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको जानकारी शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए खंड आ में आ जाएंगे, आपको अतिलक उत्तरे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और उससे पहले आपको यहाँ पर कुछ दिशा निर्देश दी जाती है, इनको आपको जरूर पढ़ लेना, कितने क्वेश्चन का आंसर करना, कितने शब्दों में करना है, जानकारी आपको जरूर से जरूर पढ़ लेना है, ठीक है। पहला प्रश्न है कि पश्चिमी विक्षोभ के बारे में बताइए, ठीक है, हमेशा तो नहीं आता है लेकिन थोड़ा अगर परिचय पढ़ लेंगे तो बेटर ही रहेगा। इन सभी का उत्तर कहाँ पर मिलेगा, कैसे आपको सर्च करना है, कंप्लीट जानकारी देंगे, लेकिन सबसे पहले जान लीजिए कि कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, कौन कौन से प्रश्नों के उत्तर तैयार कर लेना है, क्योंकि क्वेश्चन तो हज़ारों में है, कौन से तैयार करें ये हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए, मतलब कि डिटेल में, जैसे कि आपकी परीक्षा कल परसों है तो मत तैयार करिए, ज़्यादा दिन है तो तैयार करें, ठीक है। और ये क्वेश्चन 100% आने वाला क्वेश्चन, हरित क्रांति के बारे में, ये क्वेश्चन आप सभी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, 100% उम्मीद है एक प्रश्न आपकी परीक्षा में फंसेगा, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन कॉमन है और हाई लेवल का है, हमेशा फंसता है, तो इससे साबित होता है कि आपकी परीक्षा जो लगी उसमें फंसेगा, ठीक है। नोट कर लीजिए, इसका उत्तर भी मैं आपको बता रहा हूँ कैसे मिलेगा। ऊर्जा संकट, ये भी आप सभी के लिए 99% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि लगभग परीक्षाओं में क्वेश्चन, मतलब कि प्रश्न जो है पूछा जा चुका है आपके सिलेबस में भी है, तो इससे साबित होता है कि ये फंसेगा प्रश्न, ठीक है। और नोट कर लीजिए इसको भी, इन सभी का उत्तर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में समुद्री संसाधन के बारे में बताइए, ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत में समुद्री संसाधन के बारे में आपको बताना है, ठीक है, समुद्री संसाधन कौन कौन से हैं, सोर्सेज कौन कौन से हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट कर लीजिए, ठीक है, आने की पूरी उम्मीद है। अगला क्वेश्चन गारंटी के साथ आएगा, 101% हमेशा आता है, इस बार भी आएगा, भारत में जनसंख्या समस्या, भारत में जनसंख्या, और आप सभी को मालूम ही होगा कि 2023 के रिकॉर्ड के मुताबिक 2023 के बाद से विश्व का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश भारत बन चुका है। अप्रैल 2023 से पहले चाइना था, चीन जिसको आप लोग जानते हैं, उसके बाद 2023 से दुनिया का सबसे जनसंख्या वाला देश अपना भारत इंडिया बन गया है, ये आपको ध्यान रखना है। और भारत में जनसंख्या की बहुत बड़ी समस्या है, समस्या की वजह बहुत सारे बेरोजगार रह जा रहे हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जिनको शिक्षा नहीं मिल पाती, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सारी चीज़ों से वंचित हैं, यहाँ तक कि उनका खाना और एक टाइम का उनका खाना नहीं मिल पाता उनको, ठीक है। किस वजह से, जनसंख्या की वजह से, जनसंख्या की वजह से बहुत सारी समस्याएँ आ रही हैं, शिक्षित लोग हो रहे हैं, बेरोजगार हो रहे हैं, ठीक है, और साथ साथ में किसी न किसी चीज़ का शिकार हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि जनसंख्या की वजह से बहुत ज़्यादा समस्याएं आ रही हैं और ये कॉमन आजकल की समस्या हो गई और दिन प्रतिदिन बढ़ी रही है, ठीक है। तो जनसंख्या को रोकने के लिए आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैलानी चाहिए कि सिर्फ हम और हमारे दो ये पैटर्न अपनाना चाहिए, ये नहीं कि पता चले कि 10-10 बच्चे पैदा कर दिए तो भाई बेरोजगारी और साथ साथ में जनसंख्या समस्या तो आ ही जाएगी, ठीक है ना। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान देंगे इस पर, इनका उत्तर भी आपको मिल जाएगा। अगला है कि सामाजिक वानिकी के बारे में लिखिए, ठीक है, ये क्वेश्चन आता है लेकिन बहुत कम आता है, आप पढ़ भी सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण पर्यटन के बारे में लिखना है, ये क्वेश्चन आप सभी के लिए 90% इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, उम्मीद है कि आ सकता है, ठीक है, क्या क्वेश्चन है, उम्मीद है कि आ सकता है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है कि मलिन बस्ती, मलिन बस्ती बहुत कम आता, आप इग्नोर कर सकते हैं। अगला है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र, कभी कदार आ जाता है तो थोड़ा बहुत इसके बारे में आपको पढ़ लेना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित हो सकता है, मतलब कि 70% इम्पॉर्टेंट है वाला। पश्चिमी घाट, ठीक है, बहुत कम आता है, अगर आपके पास समय तो पढ़े दरवा इग्नोर भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन, यानी कि 10 क्वेश्चन, कुछ यूनिवर्सिटी में 10 पूछे जाते हैं, कुछ में 5 पूछे जाते हैं अति लघु उत्तरी में, ठीक है। तो इस यूनिवर्सिटी में 10 क्वेश्चन पूछे गए थे अति लघु उत्तरी में, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको कुछ देखने को मिलेंगे आपकी परीक्षा में। उसके बाद आपको आ जाना है, आप आ जाएंगे खंडवा की ओर, जहाँ पर आपको लघु उत्तरी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब लघु उत्तरी में कौन कौन से क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, बार बार रिपीटेड हैं, उनकी जानकारी ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर सेम टू सेम पूरी जानकारी दी, कितने क्वेश्चन करना, कितने शब्दों में आंसर करना, कितने नंबर मिलेंगे, आपको जरूर पढ़ लेना है। पहला प्रश्न है कि प्राय द्वीपीय भारत की संरचना एवं उच्चावच की विवेचना कीजिए, ठीक है। तो ये सेम टू सेम क्वेश्चन तो जरूर नहीं किया आएगा, लेकिन एक आधा क्वेश्चन भारत की संरचना एवं उच्चावच से जुड़ा फंसेगा। अब कौन सा फंसेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन थोड़ा परिचय इसके बारे में पढ़ लेंगे तो बेटर ही रहेगा, ठीक है। अगला प्रश्न प्रस्तुत है कि भारतीय मानसून की उत्पत्ति की विवेचना कीजिए, ठीक है। भारतीय यानी कि भारत में बहुत सारे मानसून मतलब कि उत्पन्न होते रहते हैं, आप सभी को मालूम है कि बहुत सारे प्रकार के मानसून हैं, तो उसके बारे में आपको लिखना है। ये टॉप लेवल क्वेश्चन हाई लेवल का है, मतलब कि 100% उम्मीद है प्रश्न आएगा पक्का, ठीक है, क्योंकि कई बार ये प्रश्न फंस भी चुका है और इस बार भी पूरी उम्मीद है फंसे, क्योंकि आपके टॉपिक से क्वेश्चन है, आपके सिलेबस से है और वांटेड क्वेश्चन है और बनता भी है कि हाँ भाई इसके बारे में लोगों को जानकारी होनी चाहिए, इसलिए क्वेश्चन पूछा भी गया है, ठीक है। इस मॉडल पेपर इसी वर्ष 2024 में पूछा गया, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों के प्रादेशिक वितरण की विवेचना कीजिए, ठीक है। तो एक आधा क्वेश्चन आपको वनस्पतियों फिर क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। अब कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा इसकी तो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन वनस्पति और फ्रीडा का आधा क्वेश्चन आएगा, तो इसके बारे में थोड़ा आपको ध्यान दे लेना है, ठीक है। जो हकीकत है, जो रियलिटी है, हम आपको वही बताते हैं, हवा हवाई बात नहीं करते ना, आपको फेंक देते हैं। हमें जिस क्वेश्चन की गारंटी रहेगी, मुझे भरोसा रहेगा कि आएगा, उसकी हम 100% गारंटी लेकर भरोसा भी दिलाते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर जरूर तैयार कर लीजिएगा। जिसके कम उम्मीद है या फिर जिसके नहीं आने की उम्मीद है, उसको भी हम बता देते हैं भैया, ठीक है, ओके। अब अगला प्रश्न प्रस्तुत है कि भारत में विभिन्न भागों में मृदा अपरदन की समस्या की विवेचना कीजिए। जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है और कई बार परीक्षा में रिपीटेड भी हुए और आने वाले फ्यूचर में क्वेश्चन आता रहेगा, क्योंकि बहुत बड़ा कॉमन क्वेश्चन है और हाई लेवल का है। मृदा अपरदन से जुड़ा क्वेश्चन आपने शायद 10वीं 11वीं 12वीं में भी पढ़ा होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और भारत में विभिन्न भाग यानी कि बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहाँ पर मृदा यानी मिट्टी की जो अपरदन है उसकी बहुत ज़्यादा समस्याएँ हैं, इसके बारे में आपको डिटेल में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 200% उम्मीद है प्रश्न फंस ही जाएगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि भारत में ग्रामीण आधिकारिक एवं सांस्कृतिक प्रभाव की व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो अब जरूरी नहीं कि सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाए, लेकिन आप इसे इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ये है कि भारत में नगरों की वृद्धि में प्रवास की भूमिका दर्शाइए, मतलब कि भारत में नगरों जो वृद्धि उसमें प्रवास, ठीक है। प्रवास का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना, ठीक है। तो भारत में नगरों के वृद्धि में प्रवास की भूमिका के बारे में थोड़ा पढ़ लेना है, हमेशा तो नहीं आता लेकिन उम्मीद है फंस सकता है क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, ध्यान से सुन लीजिएगा, काफ़ी हेल्पफुल क्वेश्चन आप लोग समझ प्रस्तुत। अगला प्रश्न है कि भारत में चीनी उद्योग के विकास एवं वितरण प्रतिरूप की विवेचना कीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित हो सकता है आपके एग्जाम में, हाईलाइटेड क्वेश्चन है, ठीक है, और ये आपकी परीक्षा में बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है क्वेश्चन, नोट कर लीजिए, इसका उत्तर आपको तैयार करना जरूर है। अगला प्रश्न प्रस्तुत है कि स्वतंत्रता के पश्चात यानी कि जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद में भारत की जनसंख्या वृद्धि की विवेचना कीजिए, यानी कि उसके बाद किस किस प्रकार से भारत में जनसंख्या की वृद्धि हुई, किस किस प्रकार से जनसंख्या तेज गति से या फिर औसतन या फिर कितने प्रतिशत के हिसाब से कैसे बढ़ी, उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए, जनसंख्या से जुड़े कई सारे क्वेश्चन परीक्षा में फंसते रहते हैं, ये भी फंसेगा, नोट कर लीजिए। अब आ जाएंगे हम खंडसा की ओर। खंडसा में आप सभी को मालूम कि दीर्घ उत्तरी यानी कि जिनको विस्तृत उत्तरी लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन बोलते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, और इसमें भी सेम टू सेम पूरी जानकारी दी गई, कितने क्वेश्चन करना है, कितने शब्दों में करना है। हालांकि आपकी भी यूनिवर्सिटी में ऐसे ही पूछा जाएगा कि 2 क्वेश्चन करना, 3 क्वेश्चन करना है, वो पूरी जानकारी यहाँ पर लिखी रहेगी, ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा, मतलब कि उसको ध्यान दे लीजिएगा। तो पहला प्रश्न है दीर्घ उत्तरी का कि जल, ठीक है, वायविक
प्रदेशीकरण के आधारों की विवेचना कीजिए और भारत में प्रमुख जलवायु प्रदेशों में विभाजित कीजिए। ठीक है, तो भारत के प्रमुख जलवायु प्रदेशों के बारे में आपको पढ़ लेना है, बस इतना। भारत में प्रमुख जलवायु प्रदेशों के बारे में बस इतना, और बाकी इग्नोर कर सकते हैं। अगला कि भारत में भारत के प्रमुख औद्योगिक संश्लिष्टों का उल्लेख कीजिए और किसी एक औद्योगिक संश्लिष्टों या फिर संश्लिष्ट की समस्याओं एवं संभावनाओं का विवरण कीजिए। भी क्वेश्चन हमेशा तो नहीं फंसता, लेकिन 50-50 वाला क्वेश्चन है, आ भी सकता नहीं भी आ सकता, तो इच्छा तैयार करें इसका उत्तर, अदरवाइज इग्नोर कर सकते हैं। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण साबित होने जा रहा है भैया, आप लोगों को समझ कि भारत में हरित क्रांति ने कृषि पारिस्थितिकी को किस प्रकार से प्रभावित किया है। युक्त विवेचना कीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके, हरित क्रांति जुड़ा क्वेश्चन है। कृषि पारिस्थितिकी को किस प्रकार से इम्पैक्ट डाला है, और ये हाई लेवल और हाई वांटेड क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में रिपीटेड है, ये आप सभी के लिए रामबाण साबित हो सकता है क्वेश्चन, नोट कर लीजिए, इसका उत्तर आपको हर हाल में तैयार कर लेना। ठीक है, ओके। अब अगला प्रश्न है कि भारत में आदिवासी क्षेत्र के विकास एवं नियोजन पर एक निबंध लिखिए। भारत में जो आदिवासी लोग रहते हैं, ठीक है, उनके क्षेत्र, उनका विकास किस प्रकार हो रहा है या उनके नियोजन के बारे में आपको लिखना पड़ेगा। ये पॉपुलर क्वेश्चन है, कई बार रिपीटेड भी है एग्जाम में, और इस बार पूरी उम्मीद की आने की है। और आदिवासी लोग, आपने इस समय तो हेयर ऑयल का एक प्रचार तो सुना ही होगा ना, हेयर ऑयल नाम ही नहीं आ रहा मुझसे, आदिवासी ऑयल, आदिवासी तेल, ठीक है, और एक और नीलांबरी के नाम से, ठीक है, यानी कि आदिवासी तेल इस समय बहुत ज़्यादा प्रचार में चल रहा है। तो ये उसी संबंधित, मतलब कि उस तेल से संबंधित नहीं है, लेकिन आदिवासी जो लोग हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत आप इसके बारे में तैयार कर लीजिएगा, फंस गया तो इसी प्रकार लिख देंगे। ठीक है, ओके। तो इसी प्रकार आपको मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर आपकी परीक्षा जब होगी उसमें देखने को मिलेगा, कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चन भी आएंगे, और इन सभी का उत्तर जो है वो आपको मैं बता दे रहा हूँ कहाँ पर मिलेगा, ध्यान से सुन लीजिएगा, आप सभी के काम की बात है। इन सभी का उत्तर आपके पास सीरीज है, क्वेश्चन बैंक है, तो उसमें मिल जाएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं है तो सिंपल सा इंटरनेट है ही, गूगल पे जाना है, गूगल पे जैसे कोई क्वेश्चन का उत्तर आपको तैयार कर लेना है, करना है, मान लीजिए किसी भी प्रश्न का, तो उस पे जाना, आपको टाइप कर देना है कि हरित क्रांति की परिभाषा, जैसे आप हरित क्रांति की परिभाषा डालेंगे तो आपको आपके सामने उत्तर आ जाएगा गूगल पे। ठीक है, तो उसका उत्तर पढ़ लीजिएगा और उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, ताकि आप बाद में भी गैलरी में सेव हो जाएगा स्क्रीनशॉट, तो आप कभी भी किसी भी समय आपको जब ध्यान आएगा तो आप उसको पढ़ लेंगे। इसी तरह सभी प्रश्नों को उत्तर आप लोग फ्री में गूगल से सर्च करके, ठीक है, निकाल सकते हैं, पढ़ लीजिएगा, पढ़ने के बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो इससे दो काम होंगे, पढ़ लेंगे और गैलरी में भी सेव हो जाएगा। इससे फ़ायदा आपको यही रहेगा कि जब भी आपको समय मिलेगा तो आप गैलरी में जाके देख लेंगे, और आपको बार बार गूगल पर नफर से करना पड़ेगा, तो ये बहुत बढ़िया ट्रिक है, आप अपना सकते हैं। बाकी हमारी महासंग्राम PDF आपको जल्द ही मिल जाएगी टेलीग्राम व्हाट्सएप पे, तो उसमें सभी क्वेश्चन और उत्तर दोनों इंक्लूडेड रहेंगे, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। बाकी आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद। अगर कोई गलती हुई तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। बाकी जय हिंद।